गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने डीजल इंजन में नियर अबाउट अपर फ्रेम में सब कुछ नोट्स शेयर कर दिए हैं, लेकिन अंडर फ्रेम में केवल एक बेसिक नोट शेयर किया गया है। जबकि आज हम बोगी के बारे में बात करेंगे। बोगी के नोट्स जो है इसके बाद हम शेयर करते हैं। तो बोगी वो हिस्सा है जो एक व्हील अरेंजमेंट होता है, जिसके सहारे जो है हमारा लोकोमोटिव रेल्स के ऊपर मूव करता है, जो सस्पेंशन भी प्रदान करता है, वेट ट्रांसफ़र भी करता है, और राइट क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए लोगों को मूवमेंट प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द लोकोमोटिव बोगीज। यहाँ पर हम केवल जो लोकोमोटिव में बोगी यूज़ की जा रही हैं केवल उन्हीं की बात करेंगे और बोगीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये WDM-2 लोकोमोटिव जो इनिशियल स्टेज में था उसकी बोगी के का फिगर दिख रहा है। तो एक्चुअली दिस इज़ अ ट्राई माउंट बोगी, आगे आपको बताया जाएगा, जो कि कास्टिंग फ्रेम है और इसका ये साइड व्यू दिखाई दे रहा है। और इस पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आप देख लीजिए, दैट इज़ ब्रैक सिलेंडर, साइड लोड बेरर दिखाई दे रहे हैं साइड से। तो इस बोगी में अभी सामने जो है फिगर में एक दिखाई दे रहा है, जबकि दो होते हैं और सेंटर पिवट हमारा एक होता है। आगे चल के बात करते हैं। स्प्रिंग है, इक्वलाइजिंग बीम है और एक्सल बॉक्स है। तो ये मेन पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। WDM-2 सीरीज लोको जब स्टार्ट हुआ था तो ये इसको ट्राई माउंट कन्वेंशनल बोगी कहा गया और ये बोगी ही प्रयोग की जा रही है उसमें। बाद में मॉडिफाइड बोगीज़ का ज़माना आया, जो कि हाई स्पीड बोगीज़ कहलाई और इनका प्रयोग 3100 और 3600 हॉर्सपावर लोगों में किया गया। बोगी, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि बोगी जो है लोकोमोटिव के वेट को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ में पावर ट्रांसमिशन का साधन बनता है, जिससे कि लोगों को मूव कर सके ऑन द रेल्स। ठीक है ना? तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि बोगीज़ का क्लासिफिकेशन या कोडिफिकेशन कैसे किया जाए। तो चूंकि जैसा आपको पहले बताया गया है कि जो हमारा एल्को लोको है, जैसे एल्को सीरीज, ठीक है ना, एल्को सीरीज जो है ये टीओटी हुआ था अमेरिका से, अमेरिकन कंपनी थी एल्को कंपनी, जिससे कि हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया। तो नेचुरल है कि क्लासिफिकेशन या कोडिफिकेशन भी उन्हीं का आया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो है AAR क्लासिफिकेशन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स, और इसी के आधार पर बोगी का डिज़ाइन मेंटेन किया जाता है। और इसी के आधार पर व्हील अरेंजमेंट को मेंटेन किया जाता है। तो इसी में है कि देखते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और कैसे व्हील अरेंजमेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हील्स, व्हील को क्लासिफाई करना। तो व्हील भी हमारे जो है लोकोमोटिव में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरिंग व्हील यानी कि कैरी करने वाला, और एक होता है ड्राइविंग व्हील यानी कि लोकोमोटिव को ड्राइव प्रदान करने वाला। तो दीज आर द ओनली व्हील्स फॉर कैरिंग द वेट ऑफ लोकोमोटिव एंड दे हैव नॉट ड्राइविंग पावर, यानी वो व्हील एक्सल इसमें कोई जिससे कोई पावर ना मिले, केवल वो रोलिंग में सहायता प्रदान करें, ऐसे लोगों ऐसे व्हील सेट को कैरिंग व्हील सेट कहते हैं। ठीक है, दे आर डिनोटेड बाई नंबर्स, इनको नंबर के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे कि एक अगर है तो वन सेट ऑफ कैरिंग व्हील, दो लिखा है तो टू सेट ऑफ कैरिंग व्हील एंड सो ऑन। सेट इसलिए कि एक एक्सल लगी होगी और दो पटरियां हैं, तो नेचुरल है कि एक एक्सल के सहारे दो कैरिंग व्हील एक साथ एक एक्सल पर लगे हुए मूव करेंगे, और इस चीज़ को हम एक सेट बोलते हैं। ठीक है,
ड्राइविंग व्हील, वो व्हील जो कैरी तो करते ही करते हैं साथ में, उनके द्वारा जो है ड्राइविंग पावर भी मिलती है, यानी कि वो चलाते भी हैं। और इनको जो नोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर्स किया जाता है, दैट इज़ ABC। ठीक है, अब इनको एक बार फिर हम डिवाइड करते हैं, दे आर अगेन सब डिवाइडेड इंडिपेंडेंटली ड्राइविंग व्हील और कपल ड्राइविंग व्हील, यानी ऐसे ड्राइविंग व्हील जो इंडिपेंडेंट हों, या ऐसे ड्राइविंग व्हील जो कपल्ड हों। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग व्हील जो होते हैं, यानी कि एक सेट व्हील इंडिपेंडेंटली जो है ड्राइविंग पावर को दे, या दो सेट व्हील अलग अलग अपनी अपनी ड्राइविंग पावर से लोगों को चलाएं, ऐसे ड्राइविंग व्हील को कहेंगे हम इंडिपेंडेंटली ड्राइविंग व्हील। और इनको डिनोट करने के लिए हम ABC में सफिक्स ओ, कैपिटल ओ जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि AO फॉर वन सेट ऑफ ड्राइविंग व्हील, BO टू सेट ऑफ ड्राइविंग व्हील, एंड CO थ्री सेट ऑफ ड्राइविंग व्हील। तो इस तरीके से हम नॉमिनेशन करते हैं और बोगी का कोडिफिकेशन करते हैं। कपल ड्राइविंग व्हील, कपल ड्राइविंग व्हील का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि दो व्हील सेट हैं जो ड्राइविंग व्हील करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में एक कॉमन ड्राइविंग पावर दे दी जाए, दैट इज़ अ मोटर विद द हेल्प ऑफ गियर, वो दोनों व्हील सेट को एक साथ पावर प्रदान करे, तो ऐसे को कहेंगे कपल ड्राइविंग व्हील। और कपल ड्राइविंग व्हील को A-B-C के द्वारा कोडिफिकेशन का किया जाता है, यानी कि वन सेट ऑफ कपल ड्राइविंग व्हील होगा तो A-2 सेट होगा तो B-3 सेट होगा तो C- से डिनोट किया जाएगा। बोगी टाइप लोकोमोटिव, तो हमारे जो है वो बोगी टाइप ही लोकोमोटिव हैं। इन दिस टाइप ऑफ व्हील अरेंजमेंट, व्हील आर फर्स्ट अरेंज्ड इनटू बोगीज। इसमें क्या करते हैं कि पहले हम व्हील अरेंजमेंट को बोगी में अरेंज करते हैं, देन चेचेस इज माउंटेड ऑन द बोगी, और उस बनी हुई बोगी पर चेचेस को माउंट किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, कि हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमें जो है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फॉर नेगोशिएटिंग कर्व पर मूवमेंट लेते समय, हमें बहुत अधिक जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और हम आराम से उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि कर्व पर गाड़ी चलानी है तो कर्व पर गाड़ी चलाते समय जो हमें सहूलियतें चाहिए वो सहूलियतें इसके इस अरेंजमेंट में हमको ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए हम जो है बोगी टाइप लोकोमोटिव अरेंजमेंट पर ही काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कंपेरिजन ऑफ बोगी। अब ऊपर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में यह दिया हुआ है कि किस ईयर में कितना HP था, बोगी कौन सी लगी, वेट टोटल कितना था, वेट ट्रांसफ़र टू व्हील किस तरह हुआ, और सीधे सीधे दिया हुआ है कि WDM2 लोको जो है 1962 में आया, जिसकी उस समय हॉर्स पावर 2600 रखी गई, बोगी कास्ट स्टील की थी, जबकि वेट 112.8 टन था, और यह सेंटर पिवट और साइड मिरर पे इसने जो है के द्वारा लोड को ट्रांसफ़र किया, तो सेंटर पिवट द्वारा 60% और साइड मिरर द्वारा 40%। उसके बाद 1990+ में जो है WDM2C लोको डेवलप हुआ, जो 3100 पावर था। ठीक है, उसी समय सेम टाइम पे इसको अपग्रेड करके WDM3 बनाया गया, वो भी 1994 में, वो भी 3100 था। दोनों में बोगी जो है कास्ट स्टील की रखी गई। WDM
टू सी लोको में वेट जो है आपका 112.8 टन ही था, जबकि WDM3A में जो 123 टन हो गया। और इनमें भी जो है वेट ट्रांसफ़र का अरेंजमेंट सेम ही रहा कि सेंटर पिवट द्वारा 60% और साइड मिरर द्वारा 40%। तो WDG उसके बाद 3A आया, ये 1995 में आया, जो 31 हॉर्स पावर था, लेकिन इसमें जो बोगी लगी वो फैब्रिकेटेड लगी, दैट इज़ मॉडिफाइड बोगी, और इसको हाई स्पीड बोगी भी बोला गया। टोटल वेट ऑफ वेट जो है 123 टन रहा लोकोमोटिव का, जबकि वेट ट्रांसफ़र जो है 4 नंबर साइड बेरर लोड पैड के द्वारा इसमें किया गया। तो यहाँ से जो है शुरुआत हुई WDG3A, WDP3A, दोनों में बोगीज़ की कंडीशन सेम रही, जबकि आज डेट में जो WDG4 और WDP4 लोको हैं वो 2000 के आसपास शुरू हुए 1999 में, और उनकी हॉर्स पावर 4000 थी, जबकि जो बोगी थी वो HTSC बोगी थी, ठीक है ना, हाई टेंसाइल स्टील कास्ट बोगी इसको कहा गया, और इसका टोटल वेट था 126 टन। और इसमें जो वेट ट्रांसफ़र था वो था साइड मिरर रेजिलिएंट पैड्स द्वारा 100%, ठीक है। WDM2 लोकोमोटिव में जो बोगी लगी दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल बोगी, कन्वेंशनल ट्राई माउंट बोगी, कोको बोगी। तो कोको बोगी क्यों कहा गया, ये सवाल बार बार आता है। अभी आपको AAR क्लासिफिकेशन बताया गया, AAR क्लासिफिकेशन के अनुसार कि अगर हमारी बोगी में 3 सेट ड्राइविंग व्हील है तो हम उस बोगी को क्या कहेंगे, CO, यानी कि हमारी बोगी में एक बोगी में 3 सेट इंडिपेंडेंट ड्राइविंग व्हील्स हैं, और चूंकि हमारे पर्टिकुलर लोकोमोटिव में, एक लोकोमोटिव में ऐसी 2 बोगियां लगाई गई हैं लोकोमोटिव को चलाने के लिए, इसलिए हम उन बोगी को कहते हैं कोको बोगी, CO-CO, सी भी कैपिटल ओ भी कैपिटल, बीच में डैश लगाएंगे, फिर CO लिखेंगे डब कैपिटल में और कहेंगे कोको बोगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न। और इसी तरीके से अगर 2 सेट इंडिपेंडेंट ड्राइविंग व्हील की बोगी होगी तो हम उसको कहेंगे बोबो बोगी, जो कि पहले इलेक्ट्रिक लोको में थी, और बीच में जब हमारे पास WDP1, WDP2 लोको आए या WDP4 लोको भी जब शुरू में आया तो उसमें ऐसी बोगी लगाई गई जो भी आपको आगे दिखाई देगी, जिसमें एक्सल तो 3 थी लेकिन पर्टिकुलर एक बोगी में 2 ड्राइविंग एक्सल थी इंडिपेंडेंट, जबकि एक जो है कैरिंग कैपेसिटी एक्सल थी जिसमें कि ट्रैक्शन मोटर नहीं लगाई गई। तो ऐसी बोगी को उन्होंने बोला BO1-1BO, तो BO यानी कि 2 सेट ड्राइविंग व्हील, -1 यानी कि 1 सेट व्हील जो कि कोई भी ड्राइविंग पावर नहीं रखता, क्योंकि आपको बताया गया है कैरिंग व्हील के लिए 1, 2, 3, 1 सेट ऑफ व्हील 1, 2 सेट ऑफ व्हील 2, 3 सेट ऑफ व्हील 3, ठीक है। तो इस तरह से कोडिफिकेशन किया गया, और इसीलिए हम अपने बोगी को जो है कोको बोगी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, जहाँ तक ना समझ में आया तो फिर पूछिएगा। इसी के साथ इन्हीं चीज़ों को और आगे दिखाया गया है, एडिशन जो हमारा WDM2 लोको में 27% था वो जाके WDG3A में जो है 33%, और आखिरी में WDG4 में जो है आपका 43% आया। एडहेशन माने चिपकाव, ये एडहेशन आपका फ्रिक्शन क्रिएट करता है, ये एडहेशन आपकी कैपेसिटी को मेंटेन करता है कि आप कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रैक्टिव एफर्ट जहाँ 30.4 था वो बढ़ करके 54 टन हो गया। एक्सल लोड जो है 18.8 था वो 21 हो गया। मैक्सिमम स्पीड 120 थी वो
पैसेंजर के मामले में 160 तक पहुंच गई, जबकि गुड्स के मामले में 100 ही रही, क्योंकि गुड्स ट्रेन में हम स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, उसकी मैक्सिमम स्पीड 100 ही रखी जाती है। गियर रेशियो सब अलग अलग चले गए। हमारा WDG4 लोको में WDM2 लोको में जो गियर रेशियो है वो है 18:65, और ये बुल गियर और पिनियन रेशियो है, यानी पिनियन रेशियो टू बुल गियर। और इसका मतलब है कि पिनियन में अगर दाँतें 18 हैं तो हमारे बुल गियर में जो है 65 दाँत टीथ होंगे। ठीक है, तो ये WDM2 में, WDM2C में, WDM3A में ये रेशियो सेम ही रहा, जबकि जो है WDG3A में ये 18:74 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए। स्पीड गुड्स लोकोमोटिव में, जी मतलब गुड्स लोकोमोटिव में स्पीड ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, चूँकि लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और लोड ज़्यादा खींचा जाएगा, तो नेचुरल है कि जो है हमारा मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा और हमें उतना ही ज़्यादा ब्रेकिंग पावर की आवश्यकता होगी, और ब्रेकिंग के लिए उतनी ज़्यादा दूरी की और समय की भी आवश्यकता होगी। उसको बचाने के लिए हम स्पीड को लिमिट कर देते हैं 100 पर और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर WDP3A में जो है वो 22:61 हो गया, जबकि WDG4 में जो है 70:90 हो गया। अब पर्टिकुलर एक बोगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सपोर्ट बाई स्प्रिंग्स की जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो विदाउट सपोर्ट ऑफ स्प्रिंग रखे जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे इक्विपमेंट्स जो स्प्रिंग द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं उसको स्प्रिंग मास कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनको सपोर्ट स्प्रिंग द्वारा नहीं किया जाता ऐसे को हम अनस्प्रिंग मास कहते हैं, जैसे कि व्हील, एक्सल, गियर केस, ठीक है ना। और जो अनस्प्रिंग मास होता है उसको जो है मैक्सिमम धरती के पास रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी अगर जितना ऊपर होगा ये रफनेस ऑफ राइड को बढ़ाता जाएगा, तो इसको जितना होगा उतना हम लो कैपेसिटी में मेंटेन करते हैं, यानी कि ज़मीन के पास कोशिश की जाती है, यानी कि अनस्प्रिंग मास को बिल्कुल टॉप पे रख दिया जाए जिससे कि वो राइड क्वालिटी को ख़राब करे। शॉक एब्जॉर्बर जानते ही हैं, शॉक एब्जॉर्बर क्यों लगाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी शॉक एब्जॉर्बर केवल जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन माने दोलन, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसको डैम्प करने की कोशिश करता है, और डैम्प करता भी है अगर प्रॉपर डिज़ाइन में लगाया जाए। जब भी हमारी इंजन रेल ट्रैक पर चलते हुए बम्प करता है, बम्प करने का मतलब हो गया कि जिस समय जॉइंट आ रहा है या जिस समय आपका रेल ट्रैक अनइवन है, वो गाड़ी वो लोकोमोटिव चलते चलते एक बार की जर्क खाएगा, और जर्क की वजह से चूँकि जो सस्पेंशन है वो उस जर्क को बियर करने के लिए बम्प करेगा, यानी कि हमारी स्प्रिंग एक बार दबेगी, और नेचुरल है कि रिएक्शन में फिर एक बार उठेगी, और एक ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा जब तक कि ये धीमे धीमे ख़त्म ना हो जाए, तो ये हमारी राइडिंग क्वालिटी को बहुत ख़राब करेगा। लेकिन अगर शॉक एब्जॉर्बर लगाया हुआ है तो ये इस ऑसिलेशन को डैम्प करके बहुत जल्दी स्प्रिंग को स्टेबल कंडीशन में लाएगा और हमारी राइडिंग क्वालिटी को बेहतर करेगा। ठीक है, वही दिखाया हुआ है, ए रॉड, बी पिस्टन विद सील, सी द सिलेंडर, डी द ऑयल रिजर्वायर, ई द फ्लोटिंग पिस्टन, एंड एफ एयर चैम्बर। सो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको ITI में जो है
शॉक ऑब्जर्वर पढ़ाए गए होंगे, तो शॉक ऑब्जर्वर का जो थ्योरी होता है वो सेम ही होता है, बेसिक थ्योरी सेम रहता है, बस उनकी वर्किंग के हिसाब से उनकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, मूवमेंट इन बोगीज। अब चलते समय हमारे बोगी में जो मूवमेंट होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे पहला है याइंग या नॉजिंग, दूसरा है रोलिंग, तीसरा है पिचिंग। तो अगर हमारा बोगी का रोटेशन अबाउट वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस, तो हम कहते हैं कि बोगी में है याइंग हुई या नॉजिंग हुई। लॉन्गिट्यूडनल एक्सल में रोलिंग वो तो हमें करना ही करना है, तभी हमारा ट्रैक्शन होगा, तो उसको रोलिंग कहते हैं, इसीलिए इसको रोलिंग स्टॉक भी कहते हैं। और अगर हमारा ये बोगी में मूवमेंट ट्रांसवर्सल हुआ यानी कि लेटरल हुआ तो हम कहेंगे पिचिंग। तो तीन मूवमेंट बताए हमने, एक वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट जिसको हम याइंग या नॉजिंग कहेंगे जो कि ड्यू टू सस्पेंशन सिस्टम होता है, रोलिंग हम कराते हैं इसलिए रोल होता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल हमें मूवमेंट कराना है जिसके लिए ये लोकोमोटिव लगाया जाता है ट्रैक पे ट्रैक के साथ, और पिचिंग होता है ड्यू टू बम्पिंग कि हमारे चलते समय हमारे ट्रैक में अनइवननेस आ गई या जॉइंट पे आ गया हमारा पहिया तो हमारी बोगी में याइंग होगा हमारा बम्पिंग की वजह से, जबकि पिचिंग हमारा होगा एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन विद कर्व, जब हमारा इंजन जो है कर्व पे जाएगा यानी कि जब हमारा लोकोमोटिव रन करते हुए कर्व को क्रॉस करेगा तो ये हमारी पिचिंग हमको मिलेगी क्योंकि हमारी बोगीज पर्टिकुलर एक ही जगह में भागने की कोशिश करेंगी विद द लॉ ऑफ इनर्शिया, और हमें ये पिचिंग मिलेगी जिसको कि मेंटेन करना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम सस्पेंशन सिस्टम और क्लीयरेंसेस का सहारा लेते हैं, एक्सल बॉक्स क्लीयरेंसेस का, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा व्यू ऑफ WDM2 कोको बोगी। तो इस कोको बोगी में साइड से व्यू दिखाया गया है जिसमें एक ब्रेक ब्लॉक दिखाया गया है, एक्सल कॉलर दिखाया गया है और बुल गियर दिखाया गया है। तो बुल गियर वो गियर होता है जो एक्सल सेट के साथ लगा होता है, बड़ा गियर जिसमें WDM2 लोगों की बात करें तो 65 दाते होते हैं, और ट्रैक्शन मोटर में जो गियर लगा होता है दैट इज़ पिनियन जिसमें केवल 18 दाते होते हैं, 18 टीथ होते हैं। ठीक है, ट्राई माउंट बोगी ऑफ WDM2 लोको। अब इसके जो फीचर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं, तो इसमें सिंगल स्टेज सस्पेंशन लगा हुआ है, ठीक है ना, कि WDM2 लोकोमोटिव जो ट्राई माउंट कोको बोगी है उसमें जो सस्पेंशन सिस्टम है वो सिंगल स्टेज है, एक स्टेज पे ही सस्पेंशन है, दो स्टेज पे नहीं है। दूसरा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो इसमें मैंने बताया था कि एक सेंटर पिवट और दो साइड लोड बिरर होंगे, तो एक सेंटर पिवट जो है आपका लोकोमोटिव के 60% वेट को लेगा यानी कि बियर करेगा और आगे ट्रांसफ़र करेगा, जबकि लोड बियरिंग पैड जो है वो आपके 40% वेट को ट्रांसफ़र करेंगे। एक बोगी जो है 3 पॉइंट सपोर्ट पे रहेगी, लेकिन पूरे लोको की बात करें तो जो है हमारे पास टोटल 6 पॉइंट सपोर्ट होता है क्योंकि दो बोगी होती हैं यानी दो सेंटर पिवट और 4 साइड लोड बेरर्स। सेंटर पिवट जो है ये 60% लोड तो लेता ही लेता है दोनों मिलाकर के, लेकिन साथ ही साथ जो है ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्स को भी जो है ट्रांसमिट करता है, तो ये डबल वर्क करता है पर्टिकुलर इस लोको में। तो अब बात करें तो जो हमारा बोगी वेट है
जो हमारा लोकोमोटिव का वेट है, इसमें से बोगी वेट को माइनस किया जाएगा और जो वेट बचेगा उस वेट में 30-30% दोनों सेंटर पिवट ट्रांसमिट करेंगे रेल को, रेल तक पहुंचाएंगे, जबकि 10-10% ईच साइड लोड बेरर जो है उस लोड को रेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ दिखाया हुआ है। लोकोमोटिव वेट 112.8 टन, बोगी का वेट 23 टन, दो बोगी लगी हुई हैं तो टोटल मिला के हो गया 46 टन। तो टोटल वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, दो बोगी को हटा करके जो टोटल वेट बना वो बना 66.08 टन, सॉरी 66.8 टन, 66.8 टन। अब इसमें से 60% हम निकालते हैं तो वो होता है 40.08, और ये 40.08 को भी अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो एक सेंटर पिवट 20.04 टन वेट को ट्रांसमिट करता है रेल तक। ओके, यानी कि दो सेंटर पिवट द्वारा 20.04 टन वेट को रेल तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, जबकि साइड लोड बिरर से बचा हुआ 40% लोड यानी कि 26.72 टन को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.68 टन प्रत्येक साइड लोड बिरर द्वारा रेल को पहुंचाया जाएगा, रेल तक ट्रांसफिट किया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सल लोड। तो जितना टोटल वेट होता है हमारा लोकोमोटिव का और जितनी एक्सेल होती हैं, टोटल लोड है 112.8 टन टोटल वेट जो हमारा है, और उसको अगर हम 6 एक्सेल से डिवाइड कर दें तो पर्टिकुलर पर एक्सेल जो लोड आएगा दैट इज़ 18.8 टन आएगा। इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक्सेल लोड मींस टोटल वेट ऑफ लोकोमोटिव डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एक्सल्स। ठीक, मेन डाटा ऑफ ट्राई माउंट बोगी, लेंथ ऑफ लोकोमोटिव पहले बताया जा चुका है, वेट्स ऑफ लोकोमोटिव पहले बताया जा चुका है, हाइट ऑफ लोकोमोटिव पहले बताया जाएगा, वेट ऑफ ड्राई इंजन 112.8 टन बताया जा चुका है, बुल्गेर रेशियो पता है, एक्सेल जर्नल डाया ये आपको नहीं पता है, दैट इज़ 228.6 mm, सस्पेंशन बेरिंग जर्नल क्लियरेंस ये आपका 35 से 62 होता है, यहाँ गलत लिखा है, 0.035 से 0.062 mm, आज डेट में ख़त्म हो गया है, जब वेक असेंबली लगती थी तब का ये है डाटा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सस्पेंशन बेरिंग जर्नल क्लियरेंस जो है 0.035 से mm से 0.62 mm तक होता है। रेल गार्ड हाइट भी यहाँ गलत लिखी है, तो 88.9 से 100 mm होती है, ठीक है, या 104.3 mm होती है, जो कि यहाँ गलत प्रिंट है, मैं एक करेक्ट स्लाइड बाद में भेज देता हूँ। ओके, नाउ अभी जब बात की थी पिचिंग की, तो पिचिंग में मैंने कहा था कि नेगोशिएशन ऑन कर्व्स, नेगोशिएशन विद कर्व्स, अगर हम कर्व पे अपनी गाड़ी को मूव कर रहे हैं उस समय हमारी गाड़ी को जो रिक्वायरमेंट है उसमें सहूलियत मिलती है बोगी अरेंजमेंट की वजह से, लेकिन वो कैसे मिलती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि राइडिंग के समय हमारी गाड़ी नेगोशिएट विद कर्व भी हो जाए, हमारी जो है योइंग को भी सपोर्ट कर जाए एट द टाइम ऑफ बम्पिंग रोलिंग के साथ साथ, और ये सब कॉम्बिनेशन में चलता है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, तो हम इसको मेंटेन करने के लिए एक्सल बॉक्स पे क्लीयरेंस लगाते हैं, यानी हमारे एक्सल बॉक्स उस फ्रेम के अंदर स्लाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल बोथ, समझ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी यानी कि जिस दिशा में रेल गाड़ी हमारी चल रही है उस दिशा में भी, और ट्रांसवर्सल यानी कि क्रॉस वाई एक्सिस पे भी, ठीक, तभी हम इसको मेंटेन कर पाते हैं। तो जो वाई एक्सिस का जो होता है वो ट्रांसवर्सल जो होता है वो लेटरल क्लीयरेंस होता है,
और लिटिल क्रेयॉन्स जो है वो हमारे क्या बोलते हैं पिचिंग में सहायता प्रदान करता है और हमारी गाड़ी नेगोशिएट कर पाती है कर पर। तो एक्सल बॉक्स साइड एंड लेटरल क्लियरेंस की जो लिमिट्स है वो यहाँ दी गई है। तो अगर हम ट्राई माउंट बोगी की बात करें तो ट्राई माउंट बोगी में जो हमारा लेटरल क्लियरेंस है, लेटरल क्लियरेंस यानी कि क्रॉस क्लियरेंस, ट्रांसवर्सल क्लियरेंस इसको बोलते हैं, तो वो हमारा 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर एक्सल पर 6 से 12 mm के बीच सेट किया जाना चाहिए। तो अभी यहाँ इसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है, जब आप क्लास में आएंगे तो हम ज़रूर समझाएंगे इसको कि ये कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप केवल डाटा नोट कर लें। और 2 नंबर और 5 नंबर एक्सल पर 25 से 30 mm तक इसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर हाई स्पीड बोगी की बात करें, क्योंकि आपको आगे बताया जाएगा, तो यही लेटरल क्लियरेंस जो है 1, 3 और 4 और 6 लोकेशन पर 2 से 9.5 mm के बीच में मेंटेन किया जाएगा, जबकि 2 तथा 5 नंबर लोकेशन पर जो एक्सेल है उसमें लेटरल क्लियरेंस जो है 4 से 11.5 mm तक मेंटेन किया जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस या साइड क्लियरेंस जो होता है, जो हमारी याइंग और नोजिंग में मदद प्रदान करता है, अदरवाइज डैमेज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बम्पिंग, उसके लिए जो क्लियरेंस है ट्राई माउंट बोगी के लिए दैट इज़ 1.5 to 4 mm और हाई स्पीड बोगी के लिए है 2 से 4 mm और मैक्सिमम 6 mm तक, ये हाई स्पीड बोगी के लिए, और ये सभी एक्सल पर एक समान होता है। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस या साइड क्लियरेंस होता है वो सारी एक्सल बॉक्सेस पर एक समान होता है, लेकिन जो लेटरल क्लियरेंस है उसकी लिमिट्स दोनों बोगीज में अलग अलग दी गई हैं। जो ट्राई माउंट कोको बोगी कन्वेंशनल बोगी है वो जिसमें कि आपका 2 नंबर और 5 नंबर पे 25 से 30 mm दिया गया है लिटिल क्लियरेंस, वो मॉडिफाइड बोगी में जा कर के चेंज हुआ है, और इन्हीं क्लियरेंस के सहारे राइड क्वालिटी भी बेहतर होती है, साथ ही साथ सस्पेंशन सिस्टम भी मेंटेन होता है, और साथ ही साथ हमारा नेगोशिएशन विद कर्व्स, याइंग, नोजिंग, पिचिंग, इन सब चीज़ों में सहायता मिलती है और हमारी बोगी स्मूथ रन प्रोवाइड कर पाती है। ठीक है, अब बात कर लें व्हील गेज की। तो व्हील गेज हमारा 1596 प्लस माइनस 0.5 mm और जिसकी लिमिट जो है प्लस 1.5 एंड माइनस 0.5, यानी माइनस जो दिया हुआ है दैट इज़ द ज़ीरो लिमिट, उसके बाद सर्विस लिमिट के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि प्लस होने के लिए जगह है 1 mm की। ठीक है, बफर हाइट जो होती है वो 1030 से 1105 होती है। आपको पता है कि इंजन में 4 बफर लगे होते हैं और चारों बफर जो है करते क्या हैं कि हमारा जो है ब्रेकिंग अट्रैक्टिव फोर्स को जो है एक से दूसरे में सपोर्ट किए रहते हैं। जिस समय हमारा ब्रेकिंग फोर्स लगता है तो हमारी गाड़ी, पीछे की गाड़ी जो है आगे ड्यू टू इनर्शिया चलने की कोशिश करती है और उसको ये बम करने का काम करते हैं। तो हमारे बफर्स जो है, चाहे वो कोच का हो, चाहे वो गुड्स वैगन का हो, चाहे वो ब्रैक वैगन का हो, पार्सल का हो, टैंक वैगन का हो, किसी का भी हो, उसका सेंटर और हमारे लोको में जो बफर लगा हुआ है उनका सेंटर सेम हाइट पे होना चाहिए, नहीं तो एट द टाइम ऑफ बम्पिंग या एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग अगर सेंटर आउट होगा तो ड्यू टू लोड ये डैमेज कर जाएगा, टूट जाएगा और हमारा ट्रैक्शन का काम रुक जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम बफर हाइट मेंटेन करते हैं। बफर हाइट मेंटेन करने का मतलब वो क्या कि बफर के सेंटर से लेकर के
और रेल के टॉप तक की जो ऊंचाई है दैट इज़ कॉल्ड बफर हाइट, और ये मेंटेन की जाती है 1030 से 1105। रोड कंडीशन में 1080 से 1105 ये मेंटेन की जाती है। ठीक है, डायमीटर ऑफ व्हील एट ट्रैक जो है 295 होता है, और वेरिएशन इन डायमीटर इसको कहते हैं पेयरिंग ऑफ व्हील्स। पेयरिंग ऑफ व्हील्स बहुत ध्यान से किया जाता है एट द टाइम ऑफ POH, एट द टाइम ऑफ मेजर मेंटेनेंस। अगर सेम एक्सल पर हम व्हील का पेयरिंग कर रहे हैं तो जो हमारा पेयरिंग की लिमिट है दैट इज़ 0.5 mm, यानी कि एक एक्सल पे अगर हम व्हील सेट लगा रहे हैं, दो व्हील को एक एक्सल पे डाल रहे हैं, तो उनके डायमीटर में 0.5 mm से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और किसी भी कंडीशन पे लोको रनिंग के दौरान, यानी कि लोको के मीडियम शेड्यूल में जब गाड़ी आती है, तो हमारा ये डायमीटर डिफरेंस 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो हमें वो व्हील सेट चेंज करना पड़ेगा। अब ऑन द सेम ट्रक, नहीं ट्रक यानी बोगी, एक ही बोगी में अगर हमारे तीन एक्सल लगे हैं, छः पहिए लगे हैं, तो छः पहियों के डायमीटर में 2.5 mm से ज़्यादा का डिफरेंस आपस में नहीं होना चाहिए किसी भी व्हील से किसी भी व्हील तक। और सर्विस लिमिट के दौरान ये 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि सेम लोको में अगर एक ही लोको में दो बोगी लगाई जा रही हैं तो दोनों बोगी में कुल मिला के कितने चक्के हुए, 12 चक्के हुए, उन 12 व्हील्स के डायमीटर में 15 mm से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और टोटल सर्विस लिमिट जो है वो 25 mm की है। तो इसको कहते हैं व्हील पेयरिंग, और ये व्हील पेयरिंग 100% अडॉप्ट की जाती है। अगर ये व्हील पेयरिंग अडॉप्ट नहीं करेंगे तो एट द टाइम ऑफ मेजर मेंटेनेंस हम ना तो उतनी एफिशिएंसी से हम बफर हाइट को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बफर हाइट बेस करती है व्हील डायमीटर पे और सस्पेंशन सिस्टम पे। इसलिए पेयरिंग तो मस्ट है और पेयरिंग की भी जाती है, जबकि जब भी हमारा बोगी फ्रेम को रीअसेंबल किया जाता है। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड व्हील प्रोफाइल। इसको एक बार देखिएगा कि व्हील प्रोफाइल क्या कहती है। तो आज हम यहीं पर रोक रहे हैं और अगला वीडियो दोबारा देंगे। थैंक यू।